के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से कांग्रेस सरकार पूरी तरह से असफल रही है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर जगह कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पुलिस रायपुर से अगवा किए गए व्यापारी प्रवीण सोमानी का आज तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है और प्रदेश में राजनीतिक कारणों के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस अपने काम से भटक रही है और एसपी से लेकर सारे अधिकारी सिर्फ एक ही काम में जुटे हुए हैं, किसानों के धान की जब्ती और राजनीतिक दृष्टि से लोगों को प्रताड़ित करने में। केवल दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में ये छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अपराध गढ़ बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। दुर्ग भिलाई जैसी जगह में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। रायपुर में कानून व्यवस्था आज तक जिस व्यापारी को अगवा किया गया था उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा। नागरिकता संशोधन कानून